लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लोहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियो, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते सब आटा खमीर हो गया। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो, तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज के भोज में भागी होंगे, और देखो कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे, और कितने जो प्रथम हैं वे पिछले होंगे। उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है।
اس نے ان سے کہا، جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ میں آج اور کل دشٹ آتماؤں کو نکالتا اور بیماروں کو چنگا کرتا ہوں اور تیسرے دن پورا کروں گا، تو بھی مجھے آج اور کل اور پرسوں چلنا اوشیہ ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھوشیہ وکتا یروشلم کے باہر مارا جائے۔ ہے یروشلم، ہے یروشلم، تو جو بھوشیہ وکتاؤں کو مار ڈالتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے انہیں پتھرواہ کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے یہ چاہا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پنکھوں کے نیچے اکٹھے کرتی ہے، ویسے ہی میں بھی تیرے بالکوں کو اکٹھے کروں، پر تم نے یہ نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے اجاڑ چھوڑا جاتا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں جب تک تم نہ کہو گے کہ دھنیا ہے وہ جو پربھو کے نام سے آتا ہے، تب تک تم مجھے پھر کبھی نہ دیکھو گے۔